हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरजीत है और जैसा कि मैं आपको अभी वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी जो वेबसाइट है जिस पर आपने अपना अभी नया कंटेंट, अपने नया ब्लॉग पोस्ट लिखा है, ठीक है, और वो गूगल में रैंक नहीं हुआ है, तो उसको आपको रैंक कराने के लिए क्या मतलब रैंक की बात तो बात की होती है, पहले उसको सबमिट कराना होता है गूगल में, जो गूगल ने उसको क्रॉल नहीं किया, अभी तक इंडेक्स नहीं किया, ठीक है। तो ये कंटेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है, 12/4/2020 को लिखा है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है और पब्लिश कर रहा हूँ। अगर आपको देखना दिखा देता हूँ, मैंने अभी ये जस्ट कंटेंट मैंने लिख के पब्लिश ही किया है। और तो ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे आप गूगल के अंदर इसको सबमिट कर सकते हो, और मैं इसको दिखा देता हूँ आपको लाइव। ये पोस्ट अभी गूगल में सबमिट नहीं है। हाँ, मैंने इसका URL को कॉपी किया, यहाँ पर डाला मैंने SITE, यहाँ पर फिर इसको मैंने ये कर दिया सर्च, देख रहे हो यहाँ पर अभी सर्च नहीं है, ये कह रहा है ट्राई गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। बेसिकली अगर हम यहाँ पे क्लिक ना करके अब हम यहाँ से भी डाल सकते हैं सर्च कंसोल, तो वहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। सो मेरी ये वाली आईडी नहीं है, मेरी ये वाली आईडी है, यहाँ पे मैं इस पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज वेबसाइट पे, जो मेरी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाऊँगा। सो मैंने वेबसाइट पे आ गया, मेरे को यहाँ पे अपने को इंस्पेक्ट कराना है URL को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करा, अब मैंने इसको एंटर कर दिया जस्ट, ये रिटायरिंग डाटा पर गूगल इंडेक्स कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है URL इज़ नॉट ऑन गूगल, तो जो भी हमारा URL है वो गूगल में सबमिट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और फिर ये लाइव होएगा। इसमें बता रहे हैं मिनट और टू मिनट या टू एक मिनट या दो मिनट का समय लगेगा, आपका ये जो गूगल जो URL है वो गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या ये अपने गूगल अपनी बातों पे अड़ा रहता है या नहीं अड़ा रहता। मैं भी 2 मिनट हो चुके हैं बट नहीं हुआ, इसमें हो गया 1 2 3 सबमिटिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में जा रहा है गूगल के पास, यहाँ पे बोल रहा है कि हमने इसको मेजर प्रायोरिटी में मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दिया है और हमारे क्रॉल इसको जल्दी क्रॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अभी भी नहीं हुआ है, और हम इसको क्या करेंगे अभी दोबारा से टेस्ट लाइव URL, टेस्टिंग कर रहा है दोस्तों, 1 2 हो जाओ बेसिकली ये हो जाता है तुरंत यार, और नाउ URL इज अवेलेबल टू गूगल Google Index now। अभी Google ने URL इंडेक्स नहीं किया है, URL can be indexed हो सकता है। अभी मेरे को क्या करना था, व्यू टेस्ट पेजेस स्क्रीन शॉट्स, ये मेरी वेबसाइट है 200% ओके है, ये क्या था, कुड नॉट बी लोडेड, देखा करो दोस्तों आपके सामने मेरा जो URL वो इंडेक्स हो गया, और ये बता रहा है मैंने 10 घंटे पहले पोस्ट की थी, हो भी सकता है 10 घंटे पहले, क्योंकि मैं जब कंटेंट को लिखता था तो मैं साथ ही साथ उसको पब्लिश करता जाता,
क्योंकि एक बार मैंने क्या सेव ड्राफ्ट किया था ना, तो उसमें दिक्कत आ गई थी जब। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप कंटेंट को पब्लिश कर देते हो तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसे गूगल ने क्रॉल नहीं किया होता है तुरंत ही। और बेसिकली आप इसको बाद में क्रॉल करवा सकते हो अगर वो क्रॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरा पोस्ट यहाँ पे आ चुका है, अब आप देख रहे हो। अभी मैं इसके ज़रा रैंकिंग भी चेक कर लेता हूँ कि 10 घंटे पहले मैंने डाला था तो इसकी क्या रैंकिंग है। और दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आपका कंटेंट कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, ठीक है। मैंने यही कंटेंट जो यहाँ पे देख रहे हो ना, टॉप फ्री हाई डी एफिएट फुल प्रोफेशन साइट लिस्ट, इसका जो कंटेंट की लेंथ है वो रैंक मैन द्वारा 88% तक ठीक है। और कंटेंट का वर्ड कीवर्ड डेंसिटी भी देख रहे हो 0.62, मतलब 1% भी कीवर्ड नहीं है इसके अंदर। कंटेंट का वर्थ भी 487 है, 487। अभी हम इसकी जो रैंकिंग वो चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक आई। अगर हम इसको पहले तो हाफ चेक करते हैं। ओ कंट्रोल एफ एच ओ एस टी, ओ माय गॉड, 12 नंबर पे रैंक कर रही है यार। दोस्तों 12 नंबर पे, मानोगे नहीं दोस्तों, 12 नंबर पे रैंक, 10 घंटे पुराना पोस्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो 8 घंटे आ गया। ये देखो दोस्तों, ये 10 घंटे, ये 8 घंटे, क्या किस पे बिलीव करोगे किस पे नहीं करोगे मुझे खुद नहीं पता। और सेम टाइप पे टॉप फ्री हाई डी एफ डू फॉलो कैसे साइड दिस 2020 2020। यार दोस्तों मैं तो वीडियो किसी और पर बना रहा, मुझे लगता है वीडियो मुझे अब इस पर बनानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। सो आपने तो देख लिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको बनाने हैं डी ए पी ए टू फॉलो करके। अभी ज़रा मैं उसको और शॉर्ट कर देता हूँ, अभी देखता हूँ मैं कहाँ जाती है। थर्टी वन पे आ गई दोस्तों, हमारे का आज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे भी 8 घंटे दिखा रहा है, और मैं ज़रा इसको अभी और कर लेता हूँ। तो हाई डी ए पी ए डू फॉलो, पंद्रह पे आ गई। सो धन्यवाद दोस्तों आपका, वीडियो मेरा जो ये जिस टॉपिक को मैंने वीडियो बनाया था वो काम तो मेरा हो गया, मेरा जो यू आर एल था वो गूगल में इंडेक्स हो गया, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और कुछ भी डाउट्स हो कमेंट्स में बता देना। अगर आपको किसी भी एस सी ओ रिलेटेड कोई भी क्वारी चाहिए, वर्डप्रेस रिलेटेड, या फिर आपको फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वारीज हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं फ्री में आपको गाइड कर दूँ दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मेरी कम्युनिटी ग्रो हो। मेरी कम्युनिटी मतलब कि मेरे जो पार्टनर बनेंगे सारे, आप लोग मेरे यूट्यूब पर जो हेल्प करेंगे, आपके चैनल्स होंगे उनको भी प्रमोट किया जाएगा इधर। जो भी मेरे कुछ टर्म कंडीशन होगी वो बाद में होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। सो अभी जो काम था मेरा बेसिकली वो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और मेरा काम सक्सेसफुली हो गया दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी दोस्तों के इसको शेयर कर देना जो एस सी ओ करते हो, और जो 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 लोग बकवास करते हैं कि हाँ ये वो फलाना ढिकाना। तो अभी इस वीडियो में सारा कुछ सॉल्व हो चुका है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।